अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, एक बार फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत खूबसूरत सुबह से नवाजा है। आज की इस वीडियो को जैसे आपने टाइटल से देख लिया होगा, हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग की और वेस्टर्न बैंकिंग की कि क्या डिफरेंस है और क्या एक्चुअली इस्लामिक बैंकिंग एनी डिफरेंट है जो वेस्टर्न टाइप की बैंकिंग है उससे। ये वीडियो है रेफरेंस टू द वीडियो दैट सनी अली मेड अ फ्यू वीक्स बैक। उन्होंने एक वीडियो बनाया, सनी अली अगर आप उन्हें नहीं जानते तो वो FBA की प्रोमोट करते हैं। उन्होंने ड्रॉप शिपिंग पे भी बहुत काम किया पाकिस्तान में, वन ऑफ द फ्यू फाउंडर्स ऑफ e-कॉमर्स इन पाकिस्तान। e-कॉमर्स के ट्रेंड को लेके आने वाले सनी अली थे। उससे पहले फ्रीलांसिंग का काम बहुत होता रहा, लेकिन उन्होंने जो है वो e-कॉमर्स को लेके आए हैं। e-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में जो फ़र्क है वो भी एक अलग वीडियो टॉपिक है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो घर बैठे आप अमेज़ोन से काम करते हैं और वो सब कुछ, उस तरह का काम सनी अली कर चुके हैं, तो एक बड़ा नाम है। तो रिसेंटली उन्होंने जो वीडियो बनाई थी, उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तान से गया हुआ कोई भी मिडिल क्लास या कोई एक आम मुतवसत घराने का बंदा जब अमेरिका या किसी और मुल्क जाता है तो वो 20 साल के बाद उसे आप देखें तो उसके 20 जो हैं वो गैस स्टेशन होते हैं या अपनी शॉप्स होती हैं या वो वेयर हाउसेस का ओनर होता है, कुछ इस तरह की उसकी सिचुएशन होती है। जबकि पाकिस्तान में 20 साल लगाने के बाद आप देख लेंगे क्या सिचुएशन होती है। तो इस सक्सेस के लेवल की रीज़न जो उन्होंने दी वो ये दी कि बैंक्स जो हैं वो लोन दे देते हैं और आप वो कर्ज़ा जो है वो लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20% डाउन करें या 10% डाउन करें, रेस्ट जो है वो बैंक कवर करता है और बैंक जो है वो आपके पैसे पूरे कर देता है जितने आपको चाहिए होते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और फिर वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो उसके कमेंट्स में मैं जाके पढ़ रहा था तो सारे जो हैं हमारे माशाल्लाह से मुसलमान बहन भाई वो गुस्से में आ गए थे कि जी इंटरेस्ट की बात नहीं की, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, जिस हद तक हो अवॉइड करें इस चीज़ को। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान में तो बैंक यूज़ करते होंगे, राइट? तो जब भी आपने बैंक यूज़ किया है, अनलेस आप कैश पे काम कर रहे हैं, जब भी आपने बैंक यूज़ किया है आप उस इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रही है समहाउ और दी अदर। अब आप माने ना माने, क्योंकि आपको इसकी बेसिक्स देखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, लेकिन लर्निंग जो है वो आपके लिए ज़रूरी है और लर्निंग ये कहती है कि आप इसकी बेसिक्स में जाएं। बैंक खुद पैसे कैसे बनाता है, राइट? ये इम्पॉर्टेंट है सीखना। तो अब वो इस्लामिक बैंक हो या कुछ भी, इस्लामिक बैंक में वर्ड्स की हेरा फेरी है। इस्लामिक बैंक में इंटरेस्ट को प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिट कहीं या इंटरेस्ट कहें, बात एक ही है। ये चीज़ पाकिस्तानी एक ड्रामे में शगुफ्ता इजाज़ ने बड़ी अच्छी से पोर्ट्रे की थी कि लोग जो है वो इंटरेस्ट को प्रॉफिट कह के और अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। असल में ऐसे होता नहीं है। इस्लामिक बैंक भी, बैंक का मतलब आप ये देखें ना कि वो पैसे बना कहाँ से रहा है। यहाँ एक और एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा एक दोस्त हैं, उन्होंने घर लिया, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग से घर लिया यहाँ पे अमेरिका में। अब इस्लामिक बैंक क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि घर की कीमत जितनी थी उतने का ही उसे घर पड़ा, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो वो क्या लें मॉर्गेज पेमेंट होती है ना, जो घर की किस्त होती है, यहाँ पे घर जो होते हैं वो कोई भी कैश पे नहीं लेता अनलेस वो शाहिद अनवर हो। लेकिन यहाँ पे घर जो लोग लेते हैं वो लेते हैं 30 साल की मॉर्गेज पे, 30 साल तक आप किस्त देते रहते हैं। तो उस बंदे ने जो किस्त उसकी आई वो आई काफ़ी ज़्यादा, तो प्राइस के हिसाब से उसने देखा कि यार ये तो प्राइस के हिसाब से किस्त बहुत बड़ी आ रही है। तो उसने जब इस्लामिक बैंक वालों को कहा कि आपने तो कहा था ये इस्लामिक बैंक है, नो इंटरेस्ट नथिंग, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन क्योंकि हम आपकी तरफ से ये घर ख़रीद रहे हैं, वी विल बाय आउट राइट विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो हमें जो है वो थोड़ा सा अपना कुशन भी चाहिए। कुशन इन अ सेंस कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए किस्त थोड़ी बड़ी रखते हैं। अब इस चीज़ को जब थोड़ा सा रिसर्च किया गया, उसने खुद देखा और मुझे बताया, तो पता चला कि भाई साहब वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपके नाम का, वो बैक करते हैं एक और बैंक से, और वो बैंक जो है वो वेस्टर्न बैंक है। तो पैसा आ रहा कहाँ से है? उसी वेस्टर्न बैंक से आ रहा है इस्लामिक बैंक के पास। इस्लामिक बैंक वो पैसा पूरा कैश लगा देता है और वो आपको कहता है कि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे। तो फिर बात वही आ जाती है कि भाई आप तो वाकई नहीं पे कर रहे, लेकिन बैक ऑफ माइंड आपके ये बात, लेकिन आप ये देखें कि इंटरेस्ट जा तो रहा है, वो आपके थ्रू जा रहा है या वो बैंक के थ्रू जा रहा है। जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस्लामिक बैंकिंग भी इसी तरह काम करती है। तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रखें और थोड़ा ठंडे होके सोचा करें। फ़ौरन जो है वो कीबोर्ड पे आके जिहाद करने से बेहतर है कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें और फिर जिहाद करें। बैंक पैसे बनाता है आपके पैसे से, ठीक है। तो अगर आप दोबारा पिछली वीडियो की हदीस पे जाएं जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके अंदर साफ साफ है कि जो पैसा आपका नहीं है तो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब चीज़ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जो पैसा आपका नहीं है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप पैसा कोई भी ऐसा इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर आप रिस्क लेंगे दूसरे के पैसे से जो आपका है ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस, राइट। तो बैंक इसी तरह पैसे बनाता है कि आप पैसे रखवाते हैं उनके पास, उनकी मिनिमम लिमिट होती है एक कि भाई हर बंदे का उन्होंने मिनिमम जो है वो 10% रखना है, या ओवरऑल बैंक की लिमिट्स होती हैं। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे क्या लिमिट होती है कि आपने इतने $1 मिलियन या इतने परसेंट जो हैं वो आपने बैंक में रखने हैं, पैसे कैश की सूरत में होना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि बैंक बाकी पैसों से, जो भी पैसे बाकी उसके पास बचते हैं वो उससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बैंक पैसे बनाते हैं ट्रेडिंग करके एक्विटीज़ की। एक्विटीज़ कहते हैं स्टॉक्स और इन चीज़ों को। अब स्टॉक्स को वैसे पैसे बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल हलाल है, और उसकी रीज़न मैंने अपनी पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बार छोटी सी बात कर देता हूँ। और उसकी रीज़न ये होती है कि स्टॉक्स जो हैं इज़ जस्ट लाइक बाइंग अ बिज़नेस। इसमें कोई छक्का लगने या आउट होने की गेम नहीं होती। इसमें यू आर बाइंग अ बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस समझ के बाय कर रहे हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस से आप ओके हैं तो दैट इज़ ऑल गुड। और उसमें सिर्फ ये एक चीज़ जो आ जाती है वो ये कि आप हमेशा ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जो के हलाल हों, जिनका बैक एंड पे काम जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी प्रोडक्ट ना सेल कर रहे हों जो कि हलाल ना हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करें। बैंक के पास ट्रेडर्स होती हैं, ऑफिशियल ट्रेडर्स, वो बैठ के उनका काम ही ट्रेडिंग होता है स्टॉक्स का। लेकिन जिस तरीके से बैंक पैसे बनाता है वो ये है कि वो आपका पैसा लेके, आपने 20,000 अकाउंट में रखवाए, उनके पास लिमिट है कि वो 10,000 रखेंगे या इस तरह मैक्सिमम, और वो बाकी जो हैं वो इन्वेस्ट कर देंगे ट्रेडिंग में। और उस ट्रेडिंग के पैसे से जो भी पैसा बनेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। वो असल में प्रॉफिट नहीं होता, वो असल में तो पैसा आपके पैसे से उन्होंने बनाया, लेकिन दे कीप इट और उसको वो हलाल कह देते हैं। तो पॉइंट इस वीडियो का ये था कि भाई औरों पे उंगली उठाने से पहले आप अपना रिसर्च कर लें। अगर आपके बैंक में पैसे हैं, क्या आपने कोई भी ऐसे काम किया हुआ तो आपको पता है कि आप खुद भी इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो कहते हैं ना कि मैंने तो इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने बेशक नहीं लिया, लेकिन आप उस सर्कल का, सिस्टम का हिस्सा हैं जो इंटरेस्ट पे चल रहा है। आपकी गवर्नमेंट जितना कर्जा लेती है वो सब इंटरेस्ट पे होता है, आपकी फ़ौज के पास जितना पैसा है वो सब इंटरेस्ट पे है। तो पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट जो है वो हर जगह है, और आप उसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं अनलेस कि आप वो कोई ऐसी बैंक, कोई ऐसी सर्विस यूज़ नहीं कर रहे जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक है। अब गवर्नमेंट चल ही इंटरेस्ट पे रही है, सूद ही नहीं पे कर पा रहे, तो फिर यही होगा। तो इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अल्लाह पाक हमें इंटरेस्ट से बचाए और सूदखोरी से और सूद के देने से बचाए। जो बैंक आपका बैंक इस्लामी है उसके जाके देखें कि वो खुद कैसे पैसे बनाते हैं, सब चटे कटे खुल जाएंगे, आपको सब कुछ हकीकत पता चल जाएगी। दे कॉल इट प्रॉफिट, दैट इज़ इंटरेस्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बचाए सूदखोरी से भी और सूद का निज़ाम बनने से भी। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।